रास्तों से अपनी मुश्किलों को हटाता है, हौसलों से फिर विश्वास जगाता है। चैंपियन वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है, क्योंकि खेल कभी हारना नहीं सिखाता है। खेल और चैंपियन का यही जज्बा महसूस कीजिए मेरे साथ। चैंपियन खिलाड़ियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, मैं सुनाऊंगा आपको अनाड़ी से खिलाड़ी बनने तक की पूरी कहानी। तो देखिए मेरे साथ हौसलों की उड़ान, ये सफर है चैंपियंस का। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंडियन बॉडी बिल्डर का परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने व्हीलचेयर से उठकर एक प्रोफेशनल रेसलर बने और एक रियलिटी टीवी पार्टिसिपेंट, बॉलीवुड स्टार, एक मोटिवेशनल स्पीकर और कई सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स के ब्रांड एम्बेसडर है। वो हैं संजीत कुमार डांगी। इस महान बॉडी बिल्डर को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। संग्राम सिंह जो एक वेल नोन सेलिब्रिटी है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक फेमस व्यक्ति हैं। जब भी कोई व्यक्ति संग्राम सिंह के बारे में सोचता है तो एक लंबा, वेल बिल्ट, ब्रॉड शोल्डर्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति के रूप में मन में आती है। लेकिन कौन विश्वास करेगा कि वो एक प्रीमेच्योर बेबी के रूप में पैदा हुए थे और सीवियर आर्थराइटिस जैसे कि जॉइंट पेन से संदर्भित बीमारी के कारण अपने बचपन में 8 साल से अधिक समय तक व्हीलचेयर पर थे और पैरालिसिस का कारण बन सकते थे। अपनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा। अगर आप अपने जीवन में कठिनाइयों को लेकर शिकायत कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखें। इस वीडियो में हम उनके व्हीलचेयर के बचपन से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन तक उनके इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयों को हिम्मत से सामना करने से ही सफलता मिलती है। उन्होंने न केवल व्हीलचेयर से खुद को उठाया बल्कि कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स और पुरस्कारों को जीतने के लिए एक महान रेसलर बन गए। 2012 में उन्हें वर्ल्ड रेसलिंग प्रोफेशनल द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर टाइटल से सम्मानित किया गया था। 2014 में उन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सीवियर आर्थराइटिस पेशेंट से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनने की उनकी इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी ने उन्हें भारतीय सेना में सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए ऑफिशियल मोटिवेशनल स्पीकर नामांकित किया गया। उनका जन्म 21 जुलाई 1985 को हरियाणा के रोहतक के एक छोटे से गांव मदीना में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता उम्मेद सिंह एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन और माँ रामो देवी एक होममेकर और एक बड़े भाई और एक बहन हैं। 3 साल की उम्र में उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डायग्नोस किया गया, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है, जो पूरे शरीर में सीवियर जॉइंट पेन और हड्डियों का डैमेज करने का कारण बन जाता है। कभी कभी ये पैरालिसिस भी कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली उनकी आर्थराइटिस की दवाइयों ने अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड नहीं दी और धीरे धीरे पैरालिसिस का कारण बन गया। वो अपने हाथों से एक गिलास पानी भी पकड़ने के लिए असमर्थ थे। वो अपने जीवन के दौरान लगभग 7 से 8 साल तक हमेशा व्हीलचेयर पर थे, मगर संग्राम अपने भाई से प्रेरित थे जो एक रेसलर भी थे। संग्राम अपने व्हीलचेयर पर बैठे अपने भाई के रेसलिंग मैचेस को देखते थे। उन्होंने खुद को एक रेसलर बनाने की इच्छा की और अपने भाई की तरह मजबूत और अच्छी तरह बॉडी बिल्ड करना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, उनके परिवार और पंडित जी जो कि एक अखाड़ा में मेंटोर थे को छोड़कर हर कोई उस पर हंसे। पंडित जी ने संग्राम की सच्ची इच्छा की पहचान कर ली और उन्हें रेसलिंग में ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी ले ली। पंडित जी उन्हें लांस आर्मस्ट्रांग की मोटिवेशन कहानी सुनाया करते थे, जिसमें उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए कैंसर से लड़ा था। अपने जॉइंट पेन्स को दूर करने के लिए संग्राम ने घर पर फिजियोथेरेपी सेशन चलाए और आयुर्वेद मेडिकेशन और थेरेपीज का इस्तेमाल किया। वास्तव में ये अपनी इच्छा शक्ति और उनके परिवार और पंडित जी का समर्थन था। आश्चर्यजनक रूप से 6 महीने की अवधि के भीतर ही वो बिना किसी सपोर्ट के खड़े हो गए। इसके अलावा उनके लिए व्हीलचेयर की आवश्यकता ही नहीं थी।
13 साल की उम्र में जैसे ही उन्होंने आर्थराइटिस से ठीक होना शुरू किया, उन्होंने अभ्यास के लिए अखाड़ा का विजिट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो अभी भी फिजीक में काफी पतले और कमजोर थे। उसका पतला होने के कारण उन्हें अन्य बच्चे मारते और सताते थे। फिर एक दिन उन्होंने अन्य बच्चों को अभ्यास और उनके टेक्निक्स का नजदीक से एनालिसिस करके एक अलग अप्रोच लेने का फैसला किया। जब बच्चे अखाड़ा छोड़ते थे तो संग्राम अकेले ही उन टेक्निक्स का अभ्यास करते थे। इसके अलावा पंडित जी ने उन्हें डाइट चार्ट देकर और अच्छी एक्सरसाइज का गाइडेंस दिया। अगले 2 सालों में उन्होंने ताकत हासिल की, 96 किलोग्राम वेट को बढ़ाकर मजबूत और आत्मविश्वास महसूस किया। उनके बाद परिस्थितियां उनके लिए बदलना शुरू हो गई। बेसिक रेसलिंग ट्रेनिंग और ताकत और आत्मविश्वास हासिल करने के बाद संग्राम और बेहतर रेसलिंग के अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए दिल्ली चले गए। सौभाग्य से उन्हें दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में काम मिल गया। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट और भारत का रिप्रेजेंटेशन करने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग इवेंट्स में भाग लेने लगे। 2003 में संग्राम ने रांची में आयोजित नेशनल लेवल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2006 में उन्होंने जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन 2007 में उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट के नियमों का पालन न करने के कारण दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का दावा था कि संग्राम ने रिक्वायर्ड परमिशंस नहीं लिए थे और नियमों का उल्लंघन किया था। मगर संग्राम इसका कारण बताते थे कि ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें सीधे आमंत्रित किया था और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में रेसलिंग इवेंट में भाग लेने के लिए इटली गए थे। लेकिन संग्राम ने इसकी सफाई में कहा था कि उन्हें अपने लीव्स को मंजूरी मिली थी और इस आयोजन के लिए विदेश यात्रा के लिए सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट और देश के लिए कई पुरस्कार और पदक जीते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग का बिहेवियर कठोर माना जाता था। मीडिया और स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा दिल्ली पुलिस के इस तरह के फैसले की बहुत क्रिटिसाइज किया गया। दिल्ली पुलिस नौकरी छोड़ने के बाद संग्राम ने दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया ओपन रेसलिंग कंपटीशन में अपने अपोनेंट को 33 सेकंड्स में हराकर जीत हासिल कर ली थी। 2011 में उन्होंने भोपाल में आयोजित मिस्टर इंडिया टाइटल जीते। उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें कई टीवी रियलिटी शोज और प्रमोशंस के प्रस्ताव प्राप्त करने में मदद मिली। चैंपियन का जीवन तो संघर्षों की दास्तान होता है। मेहनत की भट्टी में तपकर हर चैंपियन जवान होता है और एक सफलता के पीछे ना जाने कितनों का त्याग और बलिदान होता है। 2012 में उनका पहला टीवी रियलिटी शो सर्वाइवर इंडिया में पायल रोहतास से मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती प्रेम विवाह में बदल गई। फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल रेसलिंग आधारित टीवी सीरीज 100% दे दनादन में भाग लिया। उन्होंने सच का सामना एक टीवी रियलिटी शो में ऑन लाइफ ओके चैनल पर और 2013 में कलर्स टीवी पर बिग बॉस 7 शो में भी दिखाई दिए। 2015 में फिर से उन्होंने बॉलीवुड फिल्म युवा में अभिनय किया, जहां उन्होंने फिल्म में एक स्पोर्ट्स कोच की भूमिका निभाई थी। उन्होंने नच बलिए कार्यक्रम में भी भाग लिया था। संग्राम और पायल के रियल लाइफ कपल्स को इस शो में डांसिंग पार्टनर के रूप में जोड़ा गया था और उनकी केमिस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया। 2015 में उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में आयोजित कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, यानी कॉम्पिटिशन में दोनों स्पर्धी इतनी हद तक लड़ेंगे कि दोनों में से कोई एक जीवित खड़ा रहे, और संग्राम को डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ा था कि लड़ाई के दौरान मौत की अनफॉर्चुनेट घटना में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
2016 में उन्होंने चैंपियंस प्रो कुश्ती कंपटीशन शुरू की ताकि नए रेसलिंग टैलेंट को प्रमोट किया जा सके और भारत में एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के रूप में रेसलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। कुश्ती मेरा पैशन और कुश्ती मेरी पहचान, कुश्ती को देश में बढ़ाना और कुश्ती के जरिए देश को ऊपर ले जाना, यही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। संग्राम ने विशेष रूप से एजुकेशन और स्पोर्ट्स क्षेत्रों में सोशल वेलफेयर कार्यक्रमों के लिए एक्टिविटी में काम किया। उन्होंने हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए अपने मूल गांव के स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल के 21 स्टूडेंट्स, उसमें 7 लड़कों और 14 लड़कियों को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक प्राथमिक सरकारी स्कूल अपनाया है। संग्राम सिंह पीपल फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। उनकी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी CBSE बोर्ड की 7th स्टैंडर्ड हिंदी टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए संग्राम के नाम पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। संग्राम की पत्नी पायल ने एक बार कहा, संग्राम एक हाई लेवल मोरल मूल्यों के साथ एक सरल, नम्र और डाउन टू अर्थ मानव है। संग्राम ने मेरे जीवन में स्थिरता लाई है। उन्होंने अपने माता पिता को 16 साल के सेपरेशन के बाद दोबारा जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। एक इंटरव्यू में संग्राम ने कहा, रेसलिंग मेरा पहला प्यार है, मुझ में वो सब कुछ है। मैं भारत में एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के रूप में रेसलिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आने वाले रेसलर्स को ट्रेनिंग करता हूँ और भारत में कुश्ती को अगले ऊंचे स्तर पर लगाने के लिए कोशिश करता हूँ। अधिक अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स और अवार्ड्स जीतने के लिए रेसलर्स को मोटिवेट करता हूँ। मेरा लक्ष्य भारत को नंबर एक रेसलिंग राष्ट्र बनाना है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमें केवल एक अच्छा मंच बनाने और उन्हें एक अच्छा मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओरिजिनलिटी खोने की कोशिश नहीं करता हूँ और मुझे गांव के लड़के होने पर गर्व है। संग्राम की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी ने उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया है। जिंदगी में अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो, और एक पुरानी कहावत है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि हो जाती है, हम सोचते हैं। जैसा हम पानी पीते हैं वैसा ही फिर हम काम करते हैं। अगर आप शाकाहारी हो, जो भी ये वेजिटेरियन का है, क्योंकि आप खुद उठा के देख लो, हॉर्स घोड़ा वो एक मतलब प्योर वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन वो कितना भागता है, कितना थकता है, वो कभी मतलब अगर सोएगा तो वो खड़ा होकर सोता है, रेस्ट नहीं करता। तो एक शाकाहारी में इतनी ताकत है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतना देखा है कि मैं मालिक की दया से मैं प्रीमैच्योर पैदा हुआ, फिर मुझे आर्थराइटिस हो गया, आई स्पेंट 8 ईयर इन व्हीलचेयर। उसके बाद मालिक ने मुझे खड़ा किया और तुक्का लगा, बाय गॉड ग्रेस मैं इंडिया के लिए खेला और वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बना। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेप्यूटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर और मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं। संग्राम सिंह फाउंडेशन का एकमात्र यही उद्देश्य है कि वो एस्पायरिंग रेसलर्स को मौका दे। बस यही मेरा मोटिव है कि किसी तरह आगे आने वाले बच्चों को मैं किसी तरह उनको मोटिवेट कर सकूं। सरकार काफी कुछ अच्छा कर रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम सबका फर्ज है, देश हमारा है, कि हम कंधे से कंधा मिलाकर कुछ देश की उन्नति में, प्रगति में अगर सहयोग कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। संग्राम सिंह फाउंडेशन का मकसद यही है। तो दोस्तों, ये संग्राम सिंह की कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।